माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपको जानवर बोलूं तो आपको ये बात बहुत बुरी लगेगी। आप भी अगर मुझे जानवर बोलेंगे तो मुझे भी ये बात, जाहिर सी बात है, मुझे भी बहुत बुरी लगेगी। वहीं पर अगर मैं आपको शेर कह के बुलाऊं तो आपको खुद पे बहुत ही ज्यादा प्राउड होगा। आप बहुत ही ज्यादा अपने आप को हिम्मत वाला महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि भाई वाह, मैं तो कितना ताकतवर इंसान हूँ, सामने वाला मेरे को शेर कह के बुला रहा है। ठीक है, शेर भी तो जानवर ही होता है, बस उसकी परिभाषा हम इंसानों ने अलग अलग कर रखी है, जानवर की अलग और शेर की अलग। तो इंसान का सबसे बड़ा शत्रु जो है उसका उसके जो अंदर छुपा घमंड है, उसका अहम है ना, ये होता है। दानापुर गांव होता है, बहुत ही छोटा गांव है, वहां पर स्कूल होता है। स्कूल के जो मास्टर जी होते हैं वो काफी सालों से वहां पर पढ़ा रहे होते हैं। उनका छोटा सा परिवार होता है, हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे होते हैं। तो मास्टर जी बच्चों को अच्छी शिक्षा भी देते हैं, अपने खुद के बच्चों को अच्छे कपड़े, अच्छा रहना सहना, अच्छा खाना, सारी चीजें चल रही होती है। एक दिन जब वो घर से स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं तो उनको अचानक से दिमाग में ये बात आती है कि ये घर ना मेरी वजह से चल रहा है, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तो उनको कहीं ना ये चीज का घमंड आ जाता है कि जो कुछ भी है अपने परिवार के लिए सर्वे सर्वा मैं ही हूँ। तो वो इस चीज को काफी दिनों से सोच रहे थे। उनको ये बात सोचते ना एक हफ्ता कश्मकश में लगे रहते। अच्छा, उनको ये ख्याल भी आता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं घमंडी हो रहा हूँ। तो उनका स्कूल है, थोड़ी ही दूर में एक ऋषि मुनि जी का आश्रम होता है, तो वहां पर ना समय समय पर प्रवचन चल रहे होते हैं। तो मास्टर जी के दिमाग में जो ये कश्मकश चल रही होती है, उनको लगता है कि मैं जब वहां जाके अपनी समस्या को गुरु जी से बताऊंगा, ऋषि मुनि से बताऊंगा, तो मेरे को क्या पता कुछ हल मिल जाए, और क्या मुझे मेरे अंदर सच में घमंड है इसका भी मुझे पता करना है। तो वो जाते हैं, वहां पर प्रवचन शुरू होने वाला होता है। सब लोग जो है नीचे बैठ जाते हैं, सामने गुरु जी बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में प्रवचन शुरू होता है और खुदा ना खास्ता उस दिन प्रवचन का जो टॉपिक होता है ना, घमंड होता है। जी हाँ, तो जब प्रवचन वगैरह सुनते हैं और घमंड की बातें वो सुनते हैं ना, तो उनको लगता है कि हाँ, आज तो मेरे मन में भी यही कश्मकश चल रही थी। तो वो जब प्रवचन खत्म हो जाता है, उनका उन्होंने बैठे तो थे वो वहां पर, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उनके दिमाग में जो है अलग ही खिचड़ी पकड़ी। तो जब सब लोग चले जाते हैं ना, तो फिर वो वापस गुरु जी के पास जाते हैं, पूछते हैं कि आपने जो समझाया, मेरे को दिमाग में इतनी कश्मकश चल रही थी कि मैंने सुना तो लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, मैंने सुन के भी उसको अनसुना जैसा मुझे लग रहा है। तो गुरु जी, मेरे अंदर भी घमंड आ गया है, तो आप बताइए इस क्या ये मैं जो सोच रहा हूँ कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, उनको अच्छे कपड़े, अच्छे खाने की व्यवस्था, घर रहने सहने की उनकी जो भी जरूरतें होती हैं उसको मैं पूरा करता हूँ, तो मुझे लगता है कि उनके लिए सब कुछ मैं ही सर्वे सर्वा। तो गुरु जी बोलते हैं, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर घमंड है तो ये चीज को आप खुद ही जानिए। गुरु जी बोलते हैं, आप 2 साल के लिए इस गांव को छोड़कर कहीं और आप अपना चुपचाप यहाँ से चले जाइए और वहां जाके रहिए, इस परिवार को आप यहीं पर छोड़ दीजिए। गुरु जी ने बोला, गुरु जी ने जैसा बताया मास्टर जी ने मान लिया। तो जब मास्टर जी जंग उसी दिन ना उसी ऋषि मुनि के आश्रम से ही वो वहां से चले जाते हैं दूसरे शहर रहने के लिए मास्टर जी। और ऋषि मुनि जो होते हैं गुरु जी, वो पूरे गांव में इस चीज का ढिंढोरा पीट देते हैं कि हमारे आश्रम में जब प्रवचन चल रहा था उसके थोड़ी देर बाद जो है एक शेर आया और वो एक मास्टर जी को ले गया। तो धीरे धीरे ये खबर शाम तक मास्टर जी भी नहीं पहुंचते हैं अपने घर, और धीरे धीरे ये खबर ना आश्रम वाली खबर कि शेर आया और मास्टर जी को ले गया, तो धीरे धीरे ये खबर वहां तक भी पहुंचती। अब मास्टर जी का पूरा परिवार जो है बहुत ही रोता है, बिलखता है, बहुत परेशान होता है। उनकी एक बिटिया होती है और एक बेटा होता है और उनकी धर्मपत्नी, और उनका मास्टर जी का नेचर भी अच्छा होता है, उनके फैमिली का भी नेचर बहुत अच्छा होता है। तो सब लोग ना सांत्वना देने आते हैं कि आप रोइए मत, देखिए हम लोग आपकी मिलकर मदद करेंगे, ये और समझाने लग जाते हैं। तो उनका बेटा भी जो है उसी स्कूल में, जिस स्कूल में वो पढ़ा रहे होते हैं उसी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। गाँव वाले जो है उनकी जो है अच्छी देखभाल करते हैं, कोई उनको अनाज, कोई खाने का सामान, कोई कुछ, और उनकी जो बिटिया होती है गाँव वालों ने ही पैसे इकट्ठे करके उसकी बिटिया, उनकी बिटिया को शिक्षित भी किया और पढ़ाया लिखाया, और वो उस बिटिया के शादी भी कर दी एक अच्छे घर में, और बेटा भी पढ़ लिख के उसको भी नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी। अब धीरे 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 समय बीत गया, 2 साल का समय हो गया। फिर जब मास्टर जी आते हैं तो उन्हीं ऋषि मुनि के आश्रम में जाते हैं और वहां पर अपने परिवार के बारे में पूछते हैं। तो ऋषि जी बताते हैं कि भाई देखो,
ऐसी ऐसी बात है, आप स्वयं जाके देख लो, मेरे हिसाब से तो परिवार को कोई कष्ट नहीं हुआ। तो गुरु जी की बातें सुनकर आश्रम से मास्टर जी अपने घर आए। तो वहां पर जब उनके फैमिली वालों को वो देखते हैं कि बिटिया की तो धूमधाम से शादी हो गई, बेटा भी मेरा जो है उसकी 2 साल पर जो भी उसकी स्कूली शिक्षा है कंप्लीट हो गई, और उसने तो अच्छी नौकरी भी उसको मिल गई, मेरे से भी अच्छी नौकरी मिल गई, और यहाँ मेरी धर्मपत्नी भी अच्छे से रह रही है, गांव वालों ने मदद करी। तब मास्टर जी को जो उनके अंदर घमंड था, अहम था कि जो कुछ मैं हूँ मैं ही हूँ अपने परिवार के लिए, तो उनका घमंड उनका भ्रम टूट गया, क्योंकि ये पृथ्वी जब हम नहीं थे तब भी थी, और जब हम नहीं होंगे इस धरती पे तब भी ये पृथ्वी होगी, यहाँ के लोग वैसे ही अपना जीवन व्यापन करेंगे जैसा कि आज हम कर रहे हैं। तो इसीलिए इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है उसका घमंड। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट, और प्लीज फ्रेंड लोग आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। किसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लिया ना।